में, हम स्वयं को हिंदू कहते हैं लेकिन वास्तव में हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं है, लेकिन हमने अपने पीठ पे चिपका रखा है ना हिंदू, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। अब ये हिंदू शब्द कहाँ है? फिरोज उल लुघात, करीम उल लुघात, गयास उल लुघात, ये तीन डिक्शनरी है, उर्दू डिक्शनरी, फारसी डिक्शनरी और अरबी डिक्शनरी, इसमें जाकर के हिंदू शब्द खोजो। हिंदू मतलब चोर, हिंदू मतलब काला, हिंदू मतलब काफिर, हिंदू मतलब लुच्चा, हिंदू मतलब लुटेरा। एक समुदाय ने हमको कहा कि ये हिंदू हैं और हमने कहा यस वी आर हिंदूज, हम हिंदू हैं। एक समुदाय ने कहा कि ये इंडियंस हैं, हमने कहा यस वी आर इंडियंस। इंडियंस का मतलब ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में है कि दोज हु आर आउटडेटेड, ओल्ड फैशन, ओल्ड फैशन, अवैध संताने, मतलब नाजायज, नाजायज औलादे। क्यों नाजायज? क्योंकि क्रिश्चियन लॉ के अनुसार जो शादी चर्च में नहीं हुई है वो मान्य नहीं है। अब हम लोग तो चर्च में शादी कर नहीं रहे, भारतीय संस्कृति में तो फेरे हो रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, तो इसका मतलब उनकी दृष्टि में हम अवैध हैं। जो हमने शादी करी वो अवैध, और जो हमारे बच्चे होंगे वो अवैध, तो इंडियंस, तो वो इंडियंस, और वो हमने ले ली, वो हमने ले ली। यस आई एम प्राउड टू बी इंडियन। अब आप देखो अमेरिका का कोई अंग्रेजी में, जर्मन में, रशियन में कोई और ट्रांसलेशन है? दुनिया की किसी भी भाषा में अमेरिका को कुछ और कहते हैं, रशिया को कुछ और कहते हैं, यूक्रेन को कुछ और कहते हैं, कनाडा को कुछ और कहते हैं, जापान को कुछ और कहते हैं, लेकिन भारत में सरकारी गाड़ियों पे लिखा है भारत सरकार और नीचे ट्रांसलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? भारत का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में इंडिया कैसे हो सकता है? भारत मतलब भा प्लस रत, भा मतलब ज्ञान और रत मतलब लिप्त। जो लोग ज्ञान में लिप्त वो भारत में रहते हैं, वो भारत है और उनको भारतीय कहते हैं। आर्यवर्त, आर्य मतलब क्या? श्रेष्ठ। इसलिए वेद में कहा कि इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरा पाघलन्तो रावणा किण्वन्तो विश्वम आर्यम। क्या ये कहा किण्वन्तो विश्वम इंडियन, किण्वन्तो विश्वम हिंदू, किण्वन्तो विश्वम मुसलमान, किण्वन्तो विश्वम ईसाई, बौद्ध, यहूदी? नो, किण्वन्तो विश्वम आर्यम। विश्व को मेक दिस वर्ल्ड नोबल, श्रेष्ठ है। अब ये आर्य शब्द वेदों से आया, लेकिन उन्हीं अंग्रेजों ने क्या कहा, ये आर्य तो बाहर से आए, उन्होंने हमें नाम इंडियन दे दिया और जो मूल आर्य था उसको बोला ये बाहर से आए। मेन हमारा नहीं पढ़ाया भी जा रहा है, ये पढ़ाया जा रहा है हिस्ट्रीज में। और आप गीता उठा करके देखो, आप महाभारत उठा करके देखो, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं हे आर्य पुत्र उठो, आर्य, आर्य कह के संबोधित किया, कहो गर्व से हम आर्य हैं, आर्यावर्त हमारा है।